कोई बस किसी एक समान चाल से कोई दूरी कुछ समय में तय करती है, मतलब बस की स्पीड क्या है, एक समान है, और दी गई कुछ दूरी को वो उस समय में तय करती है। यदि उस बस की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में उसे 2 घंटे कम लगेंगे। यदि बस की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में उसे 1 घंटा अधिक लगेगा। बस द्वारा कितनी दूरी तय की गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अब मैं इसको हल कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर कुछ एक दूरी दी हुई है और बस कुछ स्पीड से दूरी तय कर रही है, तो यहां पर जो बस कुछ दूरी कुछ समय में तय कर रही है तो यहां पर दूरी और समय की बात है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर माना बस की चाल, यहां पे चाल की बात किया, देखिए ध्यान से, तो चाल की बात है, तो बस की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और निश्चित दूरी तय करने में उसे वारी घंटे लगते हैं। तो यह आपको मानना पड़ेगा कि बस की चाल क्या है और वह निश्चित दूरी, क्योंकि कुछ दूरी कहा है, कोई दूरी कहा है, तो कोई दूरी एक निश्चित दूरी है, तो निश्चित दूरी तय करने में उसे वाई घंटे लगते हैं। आपके पास एक फार्मूला है, हमेशा यूज करते हैं आप, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, या चाल को वेग, गति, स्पीड। तो हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं, तो समय इंटू चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। ये फार्मूले का इस्तेमाल सही ढंग से होना चाहिए, टाइम इंटू स्पीड इक्वल डिस्टेंस। अब इसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, इस बात को तो ध्यान रखना है। तो हम कहेंगे इसलिए बस द्वारा तय की गई दूरी, देखिए फार्मूला लिख लिया आपने, दूरी का फार्मूला क्या है, समय गुणे चाल, तो बराबर समय गुणे चाल या वेग या स्पीड। तो डिस्टेंस यानी कि कितनी दूरी तय करेगा, समय कितना ले रहा है वो, निश्चित समय हमने क्या माना है बोलो, वाई घंटे माना है, और चाल क्या मानी है, एक्स, तो एक्स वाई किलोमीटर। अगर बस की स्पीड या बस की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो और वह निश्चित दूरी को तय करने में उसे वाई घंटे लगते हो, तो वह बस कितनी दूरी तय करेगा, समय गुणे चाल या चाल गुणे समय करते हैं, तब भी बात लिखी थी, तो हमने गुणा कर लिया, तो एक्स वाई किलोमीटर। तो बस ने एक निश्चित दूरी इतनी तय की है। अब हमें करना क्या होगा, पहली शर्त अनुसार, बहुत ध्यान से समझना इसको है, पहली शर्त अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, यदि उस बस की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, सॉरी बढ़ा दी जाए, बस की चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो बस की चाल क्या है, एक्स, तो मैंने चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो उतनी दूरी तय करने में होते 2 घंटे कम लगते हैं, समय क्या लगता है, 2 घंटा कम लगता है, तो मैं समय में से 2 घंटे निकाल देता हूं। बस की स्पीड क्या थी, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, बस की स्पीड को कितना बढ़ा दिया मैंने, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड बढ़ाया मैंने, तो कहता है उतनी दूरी तय करने में, दूरी उतनी है, दूरी चेंज नहीं हो रही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, 2 घंटे कम लगते हैं, 2 घंटे कम लगते हैं, तो मैंने जो समय लग रहा था उसको वाई घंटे, उसमें से 2 घंटे माइनस कर दिए, तो ये क्या है, समय गुणे चाल, भाई समय गुणे चाल गुणे समय, भले भले क्या दूरी भी लगी, तो दूरी कितनी तय कर रही है, बस एक्स वाई किलोमीटर ही ना, दूरी तो नहीं चेंज हो रही है ना, तो ये आपका समीकरण रेडी हो गया। अब मैं इसको अगर हल कर लूं, तो एक्स का गुणा वाई से होगा तो क्या होगा, एक्स वाई, फिर एक्स का गुणा माइनस दो से होगा तो माइनस दो एक्स, फिर 15 का गुणा वाई से होगा तो प्लस 15 वाई, और जब 15 गुणा 2 से होगा तो 15 गुणा 30, ऐसे गुणा होगा। अब देखो बराबर किस तरफ, एक्स वाई, उस तरफ भी एक्स वाई, तो कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 2x प्लस 15y, और ये 30 इस तरफ जाके धन 30 हो गया, ये हो गया आपका समीकरण 1। सेम इसी आधार पर आपको समीकरण 2 बनाना है, तो देखिए दूसरी शर्त अनुसार
क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, यदि बस की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, चाल मतलब वही स्पीड, तो मैंने स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया, एक्स में से मैंने 5 को माइनस कर दिया, स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया उसको मैंने कम कर दिया, तो उतनी ही दूरी तय करने लगा, दूरी चेंज नहीं, दूरी उतनी है, दूरी इतनी ही है, तय करने में उसे 1 घंटा अधिक लगेगा, तो पहले कितना समय लग रहा था वाई घंटे, अब 1 घंटे अधिक लगेगा, वाई प्लस वन हो गया, दूरी तो उतनी ही है एक्स वाई किलोमीटर ही है, अब फिर वाई का एक्स से वाई का गुणा करो तो एक्स वाई, एक्स का एक्स से गुणा करो एक्स से कम एक्स, इसका 5 से गुणा करो 5 वाई और 5 एकम 5 बराबर एक्स वाई, सेम तरीके से देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, मैं इस तरफ आ जा रहा हूं, एक्स माइनस 5 वाई माइनस 5 इक्वल 0 या माइनस 5 को हम इस तरफ ला दे तो प्लस 5 हो जाएगा, ये आपका समीकरण 2 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया आपका। अब आपके सामने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रेडी है, करना क्या है, ये माइनस 2x है, अगर मैं इस पर 2 से इंटू कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं इसमें पूरे इक्वेशन में 2 से, तो ये 2x हो जाएगा, 2x से बाद में माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाई 2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है 2x, 2 5 10y, 2 5 10, ये हो गया आपका समीकरण 3 इक्वेशन 3। अब करेंगे क्या, बोलिए ये माइनस 2x है, ये प्लस 2x है, कैंसिल होने वाला है, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाता है, तो जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन को, तो बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण 3 को ऐड कर दिया जाए, ये रहा समीकरण 1 आपका, माइनस 2x प्लस 15y बराबर 30, और ये रहा आपका समीकरण 3 बराबर 10। बहुत ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो गया, 15 में से 10 गया 5y और ये हो गया 40, y इक्वल 40/5, 5/40, ये 8 घंटे आएंगे, इसका मतलब निश्चित दूरी तय करने में उस बस को 8 घंटे लगते हैं। आपसे पूछा क्या है, बस द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो दूरी x y किलोमीटर है, तो मैं यहां पर y का वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, कौन से इक्वेशन में रखे, चलिए हम 2 में रख देते हैं, y इक्वल 8 समीकरण 2 में रखने पर, आई पुट y इक्वल 8 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में देखिए आएगा यहां पर प्लस, यस है, इतना सीधा तो है, कर लेते हैं यहां पे पहले y इक्वल 5, तो x माइनस 5 इंटू 8 इक्वल 5, 5 8 14 इक्वल 5, तो मैं इसको आगे जरा सा भी कर रहा हूं, जरा ध्यान देना एकदम, ये हो चुका है सबका है, इतना समझ के, तो देखिए ध्यान से आगे, ये रहा यहां तक मैं आ जाता हूं, इस करेक्ट, तो अब क्या करेंगे, बोलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल 5 और 40 इस तरफ आएगा तो प्लस 40, ये देखिए यहां से इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो x इक्वल क्या आ गया 45 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा, तो बस की हमें स्पीड भी मिल गई और कितने घंटे में वो दूरी तय कर रहा, 8 घंटे में दूरी तय कर रहा, लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है कि बस द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो हम कहेंगे इसलिए बस द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस या डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना है, एक्स वाई किलोमीटर, अब एक्स की वैल्यू कितनी है बताइए, 45 है, वाई की वैल्यू कितनी है, 8 है, मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40 कैरी।